Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो। राहुल गांधी की लोकप्रियता हरियाणा में कितनी है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है? 0%। क्यों 0% है? काम ही नहीं किया जनता के लिए कुछ भी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं काम किया जनता के लिए। आप यहाँ किसको देखने आए? हम कांग्रेस पार्टी के सारे लीडरों को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, मैडम शैली चौधरी, चौधरी रामकिशन जी, सबके विचार सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इलाके में किसका माहौल मान्यता हुआ? शैली चौधरी का। कांग्रेस का? कांग्रेस का माहौल है जी, बिल्कुल। शैली चौधरी, रामकिशन जी ने जो आज से पहले 10 साल पहले काम कराए थे, वही के वही काम है। विकास कार्य सारे रुके हुए हैं बीजेपी के, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इसमें किसान वर्ग, मजदूर, व्यापारी सब वर्ग को इनको तंग किया है, सब दुखी है और इसलिए सब परेशान है इससे। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी का नायब सैनी साहब तो आपके इलाके के जो सीएम बने हैं, अगर अच्छा उमदा तो वहाँ क्यों जनता यहाँ से नारायणगढ़ हल्का छोड़गा? सैनी का कार्य किया हुआ हल्का नारायणगढ़ के अंदर एक भी कार्य बताए कि उसने वो कार्य किया है? और रामकिशन जी ने जितने सत्ता में रहा, ये परिवार 35-40 साल से सत्ता में है। हाँ, इनको लोगों ने, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, 2 बार भाई रामकिशन जी रहे हैं, 2 बार शैली चौधरी रहे हैं, 3री बार भी शैली चौधरी को ही कामयाबी बनेंगे। अच्छा। और बहुत मतों से कामयाबी दिलाएंगे। नारायणगढ़ से कैंडिडेट है ना शैली चौधरी? हाँ, नारायणगढ़ से कैंडिडेट है शैली चौधरी, कांग्रेस पार्टी की। अच्छा। हाँ, बताओ नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी मान लो? यहाँ तो खत्म आ जी, उत्तरी हरियाणा में तो खत्म है जी बिल्कुल। अच्छा। कोई रोला ही नहीं आज किसी बात का। अच्छा। कुछ करे ही नहीं जब, किसी बात नहीं करा, किसान तंग, कर्मचारी तंग, करे नहीं कुछ, होता तब तो कोई रोला ही पाता, कोई बल्कि मतलब ही नहीं है। तब आप कितना है? मैं भी नारायणगढ़ से ही हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, एकदम कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है। तो ये जो रैली है आज की, ये बड़ा शॉर्ट नोटिस में बताई गई है ना, कई दिन पहले तय नहीं थी? जी बिल्कुल जी। तो फिर एकदम आए आप सारे लोग? ये राहुल जी का है, चुनाव के आखिरी टाइम में वो करते हैं, सारी पार्टियों का ही है, बीजेपी वाले भी आखिरी टाइम में। मोदी जी 15 तारीख के बाद 25 तारीख को आए, अमेरिका घूमने चले गए। और मोदी जी लहर तो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, यूपी में खत्म होगी, महाराष्ट्र में खत्म है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लेना आप। और एक बात और भी है, हरियाणा में 10 साल खट्टर की सरकार थी, एक इंच अगर रेलवे लाइन बनी हो, 1 इंच अगर मेट्रो चली हो, 1 कोई मेडिकल कॉलेज बनाओ तो वोट बेशक बीजेपी को दे दो, 1 नहीं। और बुड्ढा साहब ने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन। यूं क्यों है कि भूपेंद्र हुड्डा तो रोहतक तक सोनीपत वहीं पे ही विकास करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन से जिले में नहीं है, कितने थर्मल प्लांट हैं सारे, कोई ऐसा आ रहा है रोहतक में लगे? आपके यमुनानगर में रोहतक प्लांट नहीं लगा क्या, थर्मल प्लांट? इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। ये सारे हमारे कामों का श्रेय लेते हैं और अभी भी कह रहे कि एक मौका और दो इन्हें मौका। इनका तूफान, कांग्रेस का तूफान नहीं है, सुनामी है, 70 सीट से ऊपर आ रही हैं। अच्छा, सब पूरा दावा ठोके? बिल्कुल, दावा ठोके 70 सीट से ऊपर आ रही हैं। और ये सिंगल, अगर ठीक सा चल गया, ये सिंगल डिजिट में रह सकती है भाजपा, इन्हें पता लग जाएगा। अच्छा। हाँ। इस तरीके का माहौल है, इस तरह का माहौल है यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में। अच्छा, पूरे हरियाणा में? जी जी। तो ये आगे भी आप उधर देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटनी, यहाँ पर जुड़नी शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने ये बातचीत सुनी, और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, हालांकि उनसे भी हम आप लोगों की जो बातचीत है वो कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी कुछ लोग आ रहे हैं। भाई कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए भाई? रामपुर से जी। रामपुर कहाँ पड़ता है, कौन सा जिला? जिला अम्बाड़े में जी। अम्बाड़े में ही? तो क्या माहौल भाई कांग्रेस बीजेपी का? क्या कांग्रेस एक नंबर पे है जी? एक नंबर पे है कांग्रेस। और बीजेपी कौन से नंबर पे? बीजेपी 3रे नंबर पर। दूसरे पे कौन ले आए? तो बसपा। बसपा ले आए? हाँ जी। तो यहाँ बीजेपी का मुकाबला नहीं है किसी का भी कांग्रेस के साथ। अच्छा। बहुत पीछे हैं, जितनी 2रे नंबर वाले को पड़ेगी उससे दुगुनी कांग्रेस को पड़ेगी। अच्छा, नारायणगढ़ में? हाँ जी, नारायणगढ़ विधानसभा में। नायब सैनी तो आपके इलाके के हैं, उनके लिए क्या माहौल? वो बीजेपी के लिए माहौल नहीं बना पाए? खराब है जी, गांव का माहौल सुन के तो जी, गांव में भी उन्होंने तो कुछ नहीं किया जी। हाँ जी, जीरो है, जीरो जीरो जीरो। सीएम रहते हुए भी अपने गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का नहीं करा सकता, वो सीएम किसके लिए है? सड़क उसके गांव की खुद कच्ची है, दूसरे गांव को कहाँ सड़क देगा? अब ये देखो, नारायणगढ़ से काठे माजरा रोड गया हिमाचल में, इस पे 4-4 फुट के खड्डे हैं, डैम्पर चलते हैं सारा दिन नायब सैनी के, दिन में भी और रात को भी।
किस चीज के? टिप्पर जो माइनिंग के टिप्पर हैं, डैम्पर गाड़िये रेते बजरी वाले। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं जो स्कूल में आते हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, हमारे जिला वो नहीं यहाँ बना सके, मील में हमारी पेमेंट पड़ी है 10 साल से। तो अब बताओ नायब सैनिक का क्या है फिर यहाँ पे, क्यों नहीं यहाँ से इलेक्शन लड़े, क्यों गए लाडवा जब उनका यहाँ अपनी विधानसभा थी, लाडवा क्यों गए? क्योंकि उनको पता है यहाँ उनका पत्ता साफ है। तो यहाँ माहौल पूरा कांग्रेस का, हाँ जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आएंगे तो बूस्टर डोज मिलेगी कांग्रेस को? हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत मान लो भाग्यशाली है धरती जिसपे सबसे पहले हरियाणा में दौरे में राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे, नारायणगढ़ में सबसे पहला प्रोग्राम है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के अंदर युवाओं को क्या क्या रोजगार मिला, कुछ बढ़त मिली यहाँ? कुछ नहीं जी, बेरोजगार फिरे जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, अब रेजोगे बहुत बकवा करके बाहर जा रहे विदेश, बेरोजगारी कारण बच्चे जमीन बकवा करके बाहर जा रहे हैं। अच्छा, हालात खराब है, बच्चे नौजवान भी फिर रहे, कोई रोजगार नहीं। तो इस बेल्ट के तो काफी सारे नौजवान हैं जो कि विदेशों में पलायन कर रहे हैं। हाँ, पलायन कर रहे, इसी करके कर बेरोजगारी के कारण पड़े लिखे बाहर, रोजगार नहीं है तभी तो बाहर जा रहे हैं जी फॉरेन कंट्री में। अपना घर छोड़कर किसका जी करा जाने? आप लोग किले बेचते, कोई डोंगी बेचते जी, जमीन बकवाई जी बच्चा ने, नहीं तो कहते हैं हम तो मर जाएंगे, माँ बाप क्या करेगा, जमीन बेचेगा और क्या करेगा, कारण यह है सारा बेरोजगारी का। इसलिए बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हो ही गया ऑटोमेटिक, जब देश का नाश लग लेकर स्टेट का कर दिया, किसानों को कोई पेमेंट नहीं जिंदा, तो उसकी भी गन्ने की पेमेंट पड़ी रुकी, सब खाए गए ने लूट का, किसानों का गन्ना मिल में गिरता है पैसे नहीं लेकर दौड़ जाओ, क्या करेगा जिम्मेदार, कुछ भी नहीं, फसल हमने पैदा करी पैसे नहीं ले जाओ, आज तक भी 25-30 करोड़ रुपया पड़ा रुकया। सरपंचों को बोलता है कि नारायणगढ़ के लिए मेरे पास कोई पैकेज नहीं है, जब ये सीएम बने कुछ सरपंच एरिए के इसके पास इनको धन्यवाद करने गए, लेकिन इन्होंने साथ ही में ही कह दिया कि नारायणगढ़ के लिए मेरे पास कोई स्पेशल पैकेज नहीं। अब बताओ नायब सैनिक कैसे यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ पे जनता बहुत परेशान है। अब की बार बहुत जोर से कांग्रेस की सीट निकलेगी यहाँ से, पिछली बार से भी ज़्यादा, पिछली बार 21,000 की लीड की थी शैली जी ने, अब की बार 40,000 की करेगी, डबल पे जाएगी। माहौल कांग्रेस के पक्ष में जी।